प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश चुनाव आयोग से सभी डाक मत पत्रों की वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने आयोग से सभी चुनाव रिटर्निंग अधिकारियों से इस कार्य में तुरंत तेजी लाने के निर्देश देने को भी कहा है। प्रतिभा सिंह ने आज प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग से दूरभाष पर डाक मत पत्रों की धीमी गति वापसी पर चिंता व्यक्त करते हुए इस कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कुछ कर्मचारियों को डाक मत पत्र जारी होने के बावजूद संबंधित कर्मचारी को प्राप्त नहीं हुए, यह मत पत्र कहाँ गायब हो गए, इसकी पूरी जाँच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डाक मत पत्रों के साथ किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ न हो, यह भी पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये बात अवश्य है क्योंकि सरकार अभी भाजपा की है, तो जो इनके एसडीएम के पास बैलेट पेपर्स आ रहे हैं उसमें ये बहुत ढील बरत रहे हैं, जल्दी जल्दी उस प्रोसेस को नहीं कर रहे। ये भी इनको पता है कि जितनी भी ये वोटें पड़ रही है ये कांग्रेस के पक्ष में ही जा रही है। वो कर्मचारी है, कर्मचारियों की मांग थी कि ओपीएस लागू होना चाहिए, तो हमने उनको विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अवश्य ओपीएस लागू करेंगे। तो इस भाव से आज उनको लग रहा है कि ये सारी वोटें कांग्रेस को जा रही है, तो वो इस प्रोसेस को ढीला कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे भी बात की है, उनको भी इस बात से अवगत करवाया कि इसमें ढील नहीं होनी चाहिए और जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होना चाहिए ताकि सभी, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी है, चाहे सेना के कर्मचारी है, सभी को मौका मिलना चाहिए अपनी वोट डालने का। देखिए, हमने तो कभी ये प्रथा देखी नहीं और ना ही कोई खरीद फोक्त के मामले हिमाचल प्रदेश में अभी तक आए हैं। जहाँ तक और प्रदेश की प्रथा को देख के लोग ये बात कर रहे होंगे कि यहाँ भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि वो सिचुएशन आएगी नहीं और ना ही कोई इतना धनवान है कि पैसे से जीत सके, तो मुझे नहीं लगता कि ये फैक्टर कोई बड़ा अहमियत रखता है और इस पर कोई बड़ी सोच करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।